तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपकमिंग वन यू आई 7.0 के नए फीचर्स यूज कर सकते हो अपने डिवाइस में दोस्तों। और साथ में नए फीचर्स के भी बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से नए फीचर्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आपको लेटेस्ट वन यू आई 7 के क्लॉक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है वन यू आई 6.1 का क्लॉक एप्लीकेशन। आइकन आप देख सकते हैं चेंज नहीं है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आइकन को ही सैमसंग ने रीडिज़ाइन कर दिया है, जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर सबसे पहले तो आइकन को रीडिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ ओपन, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको नीचे में अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच जो ऑप्शंस मिलता है, वहाँ पर सिर्फ आपको टेक्स्ट मिलता था वन यूआई 6.1 में, लेकिन यहाँ पर अब आपको आइकन्स भी मिल जाते हैं। अलार्म का हो गया, वर्ल्ड क्लॉक हो गया, स्टॉप वॉच हो गया। साथ में यहाँ पर जो फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट को अपग्रेड किया गया है, यहाँ पर फॉन्ट को चेंज किया गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप टाइमर सेट करते हैं, तो पहले अगर आप एप्लीकेशन को क्लोज कर देते थे तो यहाँ पर एक पॉपअप व्यू आता था, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लॉक के सेटिंग्स में चले जाना है और यहाँ पर शो मिनी टाइमर, यहाँ पर इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आप जब भी टाइमर को यूज करेंगे, यहाँ पर मैं टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनी पॉपअप में हमें टाइमर देखने को मिल रहा है। पहले कुछ अलग तरीके से देखने को मिलता था और अब इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और यहीं पर आपको पॉज का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, और आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं भी स्क्रीन में कुछ इस तरह से। तो ये फीचर हमें देखने को मिलता है, न्यू फीचर ऐड किया गया है वन यू आई 7 क्लॉक एप्लीकेशन में। इसके अलावा काफ़ी सारे नए विजिट्स ऐड कर दिए गए हैं दोस्तों। जैसे क्लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहला विजिट है ये, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। इस बार यहाँ पर ये अभी ऐड है, तो इसको मैं अलग स्क्रीन में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इसको छोटा कीजिएगा तो कुछ अलग यहाँ पर हमें विजिट देखने को मिलेगा, और जब आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो कुछ अलग हमें विजिट देखने को मिलेगा दोस्तों, कुछ इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 3 विजिट्स हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। तो ये चेंज किया गया है, आपको एक ही विजिट में 3 अलग अलग विजिट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगला है डिजिटल क्लॉक, इसको मैं करता हूँ ऐड। तो यहाँ पर भी हमें सेम फीचर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको 3 अलग अलग विजिट देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहला तो हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया ये। तो कुछ इस तरह से आप इन विजिट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और विजिट्स हैं दोस्तों जो कि ऐड किए गए हैं इस लेटेस्ट अपडेट में। तो यहाँ पर चलते हैं विजिट में, यहाँ पर क्लॉक में अगला है यहाँ पर अलार्म का। तो यहाँ पर आपको अलार्म को चूज कर लेना है, मैंने चूज कर लिया है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग विजिट हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 अलग अलग विजिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस नए विजिट में कुछ इस तरह से। तो ये भी एक चेंज किया गया है। इसके अलावा एक और विजिट ऐड किया गया है, उसके लिए यहाँ पर जाना है आपको विजिट्स में, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लॉक, और यहाँ पर है डुअल क्लॉक। तो ये भी एक नया विजिट ऐड किया गया है दोस्तों, डुअल क्लॉक का, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी आपको अलग अलग विजिट्स मिल जाएंगे, आप जब इसको छोटा बड़ा कीजिएगा तो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इन सभी फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए लेटेस्ट क्लॉक एप्लीकेशन को और यूज कीजिए इसके लेटेस्ट फीचर्स को। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।